नमस्कार, मैं मीनाक्षी आपका मेरे चैनल डीप फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने देख ही लिया है, फोन सेक्स कैसे करें। और वीडियो के अंत में हम आपको ऐसी चीज दिखाएंगे और बताएंगे कि आप चरम सीमा में होंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। मजा ना आए तो डिसलाइक कर देना। कैसे फोन सेक्स करें, चाहे आपका पार्टनर आपसे काफी दूर है, इसलिए आप फोन सेक्स कर रहे हो, या आप सेक्स के अन्य रूपों को अभी आजमाना नहीं चाहते हो, या आप एक नई चीज का आनंद उठाना चाहते हो, या फिर कोई और कारण हो, फोन सेक्स आपकी सेक्स लाइफ को ज्यादा मसालेदार बनाने का एक शानदार तरीका है। शुरुआत में चाहे आपको कितना भी अजीब लगे, लेकिन एक अच्छे फोन सेक्स के लिए ये जरूरी है कि आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, संकोच छोड़ दें और काम उत्तेजना महसूस करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फोन सेक्स कैसे करें, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ट्रिक एक, तैयारी करना। एक, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई खास नहीं हो जिसके साथ आप फोन सेक्स कर सकते हो, तो आप किसी फोन सेक्स चैट लाइन नंबर को भी ट्राई कर सकते हैं। किसी ऐसे समय को चुनें जब आप दोनों अकेले हों और अपना संकोच त्याग सकते हो। आपका प्लान ऐसी अवस्था में काम नहीं करेगा जब आप में से कोई एक बिस्तर पर लुढ़क कर गर्म और सुस्त हो रहा हो और दूसरा लाइब्रेरी के बाहर बारिश में थरथरा रहा हो। अगर आपका पार्टनर फोन सेक्स से अनजाना हो या झिझक से भरा हो, तो उन्हें ये वीडियो सेंड करें या दोनों साथ साथ इसे देखें। ये मत भूलें कि आप फोन सेक्स के दौरान जो करना चाहेंगे, उन चीजों के बारे में आप फोन सेक्स शुरू करने से पहले बात कर सकते हैं। दो, अपने आप को रिलैक्स करें और मूड बनाएं। अगर आप तनाव या झिझक महसूस कर रहे हैं, तो आप फोन सेक्स का आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए आप दोनों के लिए ये जरूरी है कि आप फोन सेक्स की शुरुआत करने से पहले अपने आप को रिलैक्स करने वाले काम करें और काम उत्तेजना भी महसूस करें। अपने शरीर को ढीला करें, एक पल के लिए बिस्तर में लेटें, इंटरनेट ब्राउज करें, एक ग्लास वाइन लें, अपने स्थान पर रहते हुए ही जॉगिंग करें, कोई अजीब सा गाना गाएं और दर्पण के सामने नाचें। जिन कामों से आपके शरीर से तन व कम हो सके, ऐसे काम करें। मूड बनाएं, काम उत्तेजक वातावरण बनाएं और ऐसी चीजें करें जो आप किसी और प्रकार के सेक्स की तैयारी के लिए करते, ताकि आप फोन सेक्स के लिए सही मूड बना सके। यहाँ कुछ सुझाव हैं। अपने कमरे को साफ करें और बिस्तर बनाएं। बिजली की बत्तियां मध्यम करें, या बेहतर है कुछ मोमबत्तियां जला लें। सौम्य संगीत बजाएं, नहाएं या शावर लें, और अगर आपको पसंद हो तो शेव भी कर लें। अपना पसंदीदा उत्तेजक परिधान और अंडरवियर पहने या उतार दें। किसी सेक्स टॉय का प्रयोग करें। अपने शरीर को सौम्य तरीके से सहला कर, या अपने लवर के बारे में सोचा कर, या ऐसी काम क्रियाओं के विषय में सोचा कर जो आप पहले कर चुके हैं या भविष्य में करना चाहेंगे। अपने आप को उत्तेजित करें, लेकिन अभी अपने आप को इतना भी उत्तेजित ना कर लें कि फोन कॉल की जरूरत ही ना रहे। ट्रिक दो, फोन सेक्स करना। एक, अपने वास्तविक उद्देश्य को ना भूलें। लो सॉफ्ट टोन की आवाज या गहरी सांसों से आपको मूड बनाने में मदद मिल सकती है, लेकिन ऐसा आपको अच्छा ना लगे तो ऐसा ना करें। आरामदायक और स्वाभाविक तरीके से सांस लेना और बातें करना अजीबोगरीब तरीके से उत्तेजना महसूस कराने की कोशिश से क्या ज्यादा उत्तेजक है। दो, किसी सामयिक विषय पर बात करें। सबसे मुश्किल होता है शुरुआत कर पाना, खासकर अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तो किसी ऐसे विषय पर बात करना शुरू करें जिस पर बात करना सहज हो और धीरे धीरे उससे सेक्स से संबंधित बातें शुरू की जा सकती हो, जैसे आप उन्हें कितना याद करते हैं, या सोचते हैं कि वो आपके साथ होते, अगर वो आपके साथ होते तो आप क्या करते, आपने क्या पहन रखा है और उस पहनावे में आप कैसे दिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर से ऊपर बताई गई बातों में से किसी एक को दर्शाने के लिए कहें। तीन, इससे आगे उत्तेजित करने वाली बातों की तरफ बढ़ें। एक बार जब आप सही दिशा में आगे बढ़ जाएं, तो थोड़ा और बोल्ड बने और उत्तेजित करने वाली बातें करें। आप अपने पार्टनर से आगे बताई गई तीन चीजों को दर्शाने के लिए कह सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए कि आप कैसे दिख रहे हैं और अपने आप को किस तरह छू रहे हैं। जितना हो सके उतना नखरे वाला और अश्लील बनकर व्यवहार करें। सुझाव देने के लिए कहें, उदाहरण के लिए, क्या मुझे अपने अंडरवियर से खेलना चाहिए, ऐसा पूछें। उनसे कहें कि अगर वो राजी हैं तो आप उनसे क्या करवाना चाहेंगे। अगर आप अपने आप को छूने में सहज महसूस न करें, तो इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। आप उनसे कह सकते हैं कि आप उनकी बातों को सुनकर भी काफी आनंदित महसूस कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है अच्छे सेक्स के किसी ऐसे क्षण के बारे में सोचना जिसका आनंद अतीत में आप दोनों ने लिया है, या जो वो बता रहे हैं उसकी अपने मन में कल्पना करना। आप सब कुछ धीरे धीरे करना पसंद कर सकते हैं। उत्तेजक बातों की तरफ बढ़ने से पहले सीधी सादी बातों से शुरुआत करें, जैसे सबस पहले मैं तुम्हारी लतों को सुलझाऊंगा, या तुम्हारा सीना किसी टी शर्ट में जैसा दिखता है वो मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद आप उत्तेजक बातें कर सकते हैं, जैसे फिर मैं तुम्हारी गर्दन को किस करूंगा, क्या तुम्हें याद है जो पिछली बार तुमने शावर में मेरे साथ किया था।
हमेशा की तरह आप ये सब किस गति से करते हैं और किस हद तक करते हैं, ये पूरी तरह आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं और या वो जो बोल रहे हैं उससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से जो महसूस कर रहे हैं वो उन्हें बताएं। कराहना भी ये बताने का एक अच्छा तरीका है कि आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें सहज नहीं हो तो ऐसा करना जरूरी नहीं है। जब उन्होंने कुछ ऐसा बोला या किया हो जिसमें आपको बहुत आनंद आया हो तो उन्हें जरूर बताएं। इसी तरह जब किसी बात को आप पसंद ना करें तो उन्हें बताने में हिचके नहीं, इस तरह पर दोनों वो चीजें कर सकेंगे जो आप दोनों को ही अच्छी लगे। 4 हस्तमैथुन करें और चरम आनंद पाएं। साथ साथ हस्तमैथुन करना भी फोन सेक्स का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आपका पार्टनर मास्टरबेशन में आपका साथ ना दे तो बुरा महसूस ना करें। अगर आप अकेले मास्टरबेट नहीं करना चाहते हैं तो शुरुआत करने से पहले उनसे पूछ जरूर लें, हो सकता है वो आपका साथ देने को तैयार हों। इसी तरह अगर वो हस्तमैथुन के इच्छुक हों और आप नहीं तो भी परेशान नहीं हो, क्योंकि आप पर भी कोई दबाव नहीं होगा। उन्हें आनंद लेते हुए सुनकर आप भी आनंद उठाएं। अगर आप दोनों में से कोई एक चरम आनंद को प्राप्त नहीं कर सके तो चिंता ना करें और इसे अपन लक्ष्य समझने की बजाय एक अतिरिक्त लाभ की तरह समझें। आपका पार्टनर रुकने के लिए तैयार हो उससे पहले ही आप काम उन्माद की चरम सीमा तक पहुँच जाए तो एकदम से चुप ना हो। आप जो महसूस कर रहे हैं उसे बताते हुए अपने पार्टनर से बातें करते रहें। 5 चरम सीमा, आप किस पॉइंट पर इस सेशन को समाप्त करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चरम आनंद के एहसास के लिए प्रतीक्षा करें या सिर्फ इसलिए रुक जाएं कि आप दोनों को ये एहसास हो चुका हो। आनंद की अनुभूति होने के कितनी देर बाद फोन बंद कर देना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ लोग तब कॉल को बंद कर देना सही समझते हैं जब उनकी सांस सामान्य गति से चलने लगती है, जबकि अन्य काफी देर तक फोन पर बातें जारी रखना पसंद करते हैं। कॉल बंद करने से पहले अपने पार्टनर को ये जरूर जानने दें कि आपको कितना आनंद मिला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।